राजस्थान हाईकोर्ट ने स्काईलाइट के लिमिटेड लाइबर्टी पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। समयाभाव के चलते सुनवाई को 3 मई तक टाल दिया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में शुक्रवार को मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के चलते नंबर नहीं आया। ऐसे में अब याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी। पूर्व में स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए रॉबर्ट वाड्रा व मॉरिन वाड्रा को राहत देने से इनकार करते हुए ईडी के समक्ष पेश होकर बयान दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। दोनों ही पार्टनर रॉबर्ट वाड्रा और मॉरिन वाड्रा ईडी के सामने पेश हुए थे और पूछताछ में सहयोग किया था। यह पूरा मामला कोलायत बीकानेर में जमीन घोटाले का है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार व याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मौजूद रहे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।